जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाज़ लोग दोस्त पूछ रहे होते हैं कि मोरिंगा कैसे काश्त किया जाता है, तो ये मोरिंगा की फसल है। इसमें यह है कि 10 से 12 घंटे के लिए पानी में बीज को डिप किया जाता है, उसके बाद पानी से निकाल के तो मक्की की तरह चोक लगती है, चौड़ी खेल पे इसको काश्त किया जाता है। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है। और मस्टाइटिस और कंसीविंग फार्मर का, डेयरी फार्मर का इशू होता है, तो वो सारे इश्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं मोरिंगा चारा से। 7 कटाइयाँ साल में मिलती हैं। 03467414494 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डॉक्टर गिल मेरा नाम है। ये जानवर जो है इसको खा भी रहे हैं। बल्कि फार्मर भी हमारे साथ ही खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या बेनिफिट हुआ है मोरिंगा चारा काश्त करके, बाकी फसलों में क्या फ़ायदा है और इसमें क्या फ़ायदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमने मोरिंगा काश्त किया है कि ये इंसानी बीमारियों पर भी शिफा बख्श है और हिवानी पर भी, जानवरों की खुराक भी है और इंसानों की भी फुल खुराक है। इंसान की 300 बीमारियों पर ये कंट्रोल करता है इंसानी बीमारियों को, और जानवर की तमाम बीमारियों को कंट्रोल करता है, और चारा भी गजाइत भी भरपूर है इसमें। कुदरत ने हर एक किस्म की इसमें गजा की भरपूर सलाहियत रखी है, इसलिए हमने इसको काश्त किया है। फिर ये फसल है तकरीबन 40 साल तक चलता है, तो एक माह में कटाई करो दोबारे तैयार हो जाती फसल इसकी। फिर इसलिए इसका पत्ता भी इस्तेमाल होता है, लकड़ी भी होती है, जड़ भी इस्तेमाल होती है और फल भी इस्तेमाल होता है। हमने इसकी फादियत देखी है कि बहुत ज़्यादा फादियत है इसमें, बहुत पावर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ना रखी हो, हर चीज़ इसमें अल्लाह ने रखी है। फुल खुराक है इंसान के लिए और फुल खुराक है जानवर के लिए। ये 3 फोरल उकाड़ा का इलाका है जहाँ पे फार्मर को काश्त करवाया।